हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। और आज मैं आपके लेकर आई हूँ ये मिर्ची फ्राई की रेसिपी। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया सी ये मिर्ची फ्राई तैयार हो गई है। इसका जो मसाला तैयार किया जाता है एकदम फ्रेश तैयार किया जाता है और ये 2 हफ्ते तक आराम से फ्रिज में टिका रहता है। जब आप सफर में जा रहे हो तो आराम से इसे लेके जा सकते हो, क्योंकि ठंडियों के मौसम में ये खराब नहीं होता है जल्दी। चलिए देखते हैं इसकी विधि कि किस तरह से ये तड़के वाली अचारी मिर्ची फ्राई तैयार किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे मिर्ची ली है, मैंने यहाँ पे 250 ग्राम से भी बहुत कम मिर्ची ली है। ये जो मिर्चियाँ होती हैं ज्यादातर स्टफिंग वाली होती है, इसे स्टफिंग की रेसिपी बनाई जाती है, लेकिन आज मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग बनाने वाली हूँ। तो अब हम यहाँ पे इसे काट लेंगे, तो इस तरीके से लंबे लंबे स्लिट्स करने हैं। तो हम चम्मच की सहायता से इसे निकाल लेंगे और जो सारे के सारा जो बीज है अंदर वो निकाल लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो आप बीज ना निकालिए। तो बस इसी तरीके से हमें निकाल लेना है। तो हमने यहाँ पे मिर्ची के जो बीजे हैं वो निकाल लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटी सी तैयारी कर ली है। मैंने यहाँ पे मेथी के दाने लिए हैं, तो ये करीबन आधा टीस्पून है, बहुत ज़्यादा लेना नहीं है। 1 टीस्पून ये कलौंजी है, अनियन सीड्स जिसे कहते हैं, तो ये कलौंजी ली है 1 टीस्पून। और यहाँ पे हमने लिया है 3 टेबलस्पून ये अजवाइन, साथ ही साथ में 3 टेबलस्पून यहाँ पे सौंफ ली है, 2 टेबलस्पून जीरा, मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून धनिया के दाने लिए हैं, 2 टेबलस्पून यहाँ पे लिया है राई, तो हींग यहाँ पे 1 टीस्पून लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उसे भूनेंगे। तो हमने यहाँ पे आंच को धीमा रखा है और धीमी आंच पे ही हमें भूनना है। तो मैंने यहाँ पे लोखंड की कढ़ाई ली है, मेथी दाना, और मेथी दाने को हमें थोड़ा देर के लिए भूनना है, करीबन आधा मिनट तक। करीबन आधा मिनट हो चुका है और इसमें से हल्की सी अच्छी खुशबू आने लग गई है धनिया की। तो बस आंच को हम यहाँ बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे मिक्सर जार में। तो मिक्सर जार में हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन और ये जो जीरा है वो भी हम डाल देंगे साथ में, और दोनों चीज़ों को भून लेना है करीबन आधा मिनट तक, और आँच को यहाँ धीमा ही रखना है। तो आधा मिनट हो चुका है, क्योंकि ये लोखंड की कढ़ाई है तो जल्दी गर्म हो जाती है, तो ये जल्दी जल्दी भुन जाता है। अजवाइन और ये जीरा है वो हम निकालेंगे मिक्सर जार में। अब इसमें हम सौंफ डाल देंगे और सौंफ को भी हमें यहाँ पे आधा मिनट तक भूनना है। ये हो चुका है तो इसे भी अब हम निकाल लेंगे मिक्सर जार में। अब डालेंगे इसमें ये मेथी दाने और ये जो कलौंजी है वो भी डाल देंगे। तो इसे हम आधा मिनट से थोड़ा सा कम ही भूनेंगे। तो मेथी दाने हैं और ये जो कलौंजी है उसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे और यहाँ पे जो मेथी दाने हैं वो ब्राउन से हो चुके हैं, और आखिरी में जाएगा ये राई, काली राई, और इसे हमें बस थोड़ा सा ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये चटकना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि तैयार हो चुका है। तो सुनिए इसमें से चटकने की आवाज़ आ रही है, जैसे कि आप सुन सकते हो, और गैस को हम यहाँ बंद कर देंगे। तो राई भी गई मिक्सर जार में। अब यहाँ पे हम सभी चीज़ों को मिला लेंगे, क्योंकि अभी ये गर्म है तो थोड़ा सा ठंडा होने तक का इंतज़ार करना है। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है तो इसे अब हम पीस लेंगे। तो हमने यहाँ पर ये जो मसाला है पीस लिया है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। यही तो खास बात होती है फ्रेश मसालों की पीसने की, कि बहुत ही बढ़िया से खुशबू आने लगती है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा मैंने इसे बारीक नहीं किया है, दरदरा सा किया है। तो हमारा ये जो मसाला है तैयार हो चुका है। इसके अलावा भी हम कुछ चीज़ें इसमें डालेंगे। तो अब इसे हम बर्तन में निकाल लेते हैं। खुशबू तो खैर कितने बार बताऊं मैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ पे मैं सरसों का तेल को गरम कर रही हूँ, तो ये करीबन 1/4 कप है। तो सरसों के तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो सरसों का तेल है वो अच्छा खासा गरम हो चुका है और धुआं उठना शुरू हो चुका है। तब आँच को हम बंद कर देंगे। तो इस मसाले में हम डालेंगे आधा टी स्पून टाटा संपन्न की सेलम हल्दी,
यहाँ पे हम गुंतुर लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ये भी टाटा संपन्न का है, तो बढ़िया रंग भी देता है ये, साथ ही साथ में तीखा भी होता है हल्का सा। एक टेबलस्पून भर के ये अमचूर पाउडर, आधा टीस्पून से थोड़ा सा कम ये हींग पाउडर। हम यहाँ पे सभी चीज़ों को मिलाएंगे, लेकिन इससे पहले एक ख़ास चीज़ जो डालना है वो है नमक। तो मैं यहाँ पे ये काला नमक डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो नमक डाला है वो अंदाजन डालना है अपने टेस्ट के हिसाब से, बहुत ज़्यादा नमक भी नहीं डालना है क्योंकि खटास हमने डाली है, तो खटास और जो नमक होता है अगर दोनों ज़्यादा हो गए तो बहुत ज़्यादा नमकीन लगता है। अब सभी चीज़ों को हम मिला लेंगे यहाँ पे। अब इसमें हम डालेंगे तेल, तो ये जो सरसों का तेल हमने जो गरम किया था वो हम डालने वाले हैं, हल्का सा गुनगुना गरम है तो ये हम डाल देंगे इसमें, और सभी चीज़ों को हमें यहाँ पे मिलाना है। तो हमने यहाँ पे सभी चीज़ों को मिला लिया है, और आप यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट करके भी देख सकते हो, अगर खटास कम है तो ऊपर से आप अमचूर डाल सकते हो, या फिर आप लाल मिर्च अगर कम लग रही है आपको तो ऊपर से लाल मिर्च डाल सकते हो ताकि थोड़ा सा तीखा सा लगे। तो मैं टेस्ट करके देख लेती हूँ, तो इसमें खटास थोड़ी सी कम लग रही है तो ऊपर से मैं अमचूर और डाल दूँगी। तो एक टीस्पून मैं अमचूर और ऊपर से डाल रही हूँ, तीखा तो एकदम बढ़िया है। अब इसे मिला लेंगे हम, और नमक भी एकदम परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा नमकीन नहीं है। तो हमारा ये जो फिलिंग है तैयार हो चुका है, तो अब हम मिर्ची में भरेंगे ये जो मसाला है अचारी मसाला, और इस तरीके से उंगली की सहायता से हमें इसे फैलाना है। तो यहाँ पे एक मिर्ची मैंने भर ली है, हमें यहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा मुंह से नहीं भरना है, नहीं तो फ्राई करते वक्त सारा मसाला बाहर निकल जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बस इसी तरीके से हम बाकी की जो मिर्ची है उसे हम स्टफ़ कर लेंगे, भर लेंगे। तो ये जो मिर्ची है हमने तैयार कर ली है, अब इसे हम तलेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये लोखंड की कढ़ाई ली है, और अब डालेंगे इसमें सरसों का तेल, तो ये करीबन 2 टेबलस्पून सरसों का तेल होगा। तो सरसों का तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है, धुआं उठना शुरू हो चुका है, तो आँच को यहाँ पे हम धीमा कर देंगे। यहाँ पे पहले हम डालेंगे आधा टीस्पून राई, जैसे ही राई चटकने लग जाएगी हम आधा टीस्पून ये अजवाइन डालेंगे, इसे इस तरह से चला देंगे तेल को, और ये जो मिर्चियाँ हैं जो हमने भरी है वो हम रखेंगे, और आंच को हमें यहाँ पे धीमा और मध्यम के बीच में ही रखना है, और इसे हमें बहुत ही कम तेल में फ्राई करना है। हमें यहाँ पे इसे थोड़ा सा क्रंची रखना है, बहुत ही ज़्यादा इसे ओवर फ्राई नहीं करना है, ओवर फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मुलायम से हो जाएंगे एकदम क्रंची, तो इसे होना शुरू हो चुका है थोड़ा फ्राई, इस तरह से हमें हल्का सा पलटना है। आप अगर बहुत ज़्यादा इसे फ्राई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसे थोड़ा सा अच्छा रखूँगी, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, अचार का फ्लेवर तो होता ही है, साथ ही साथ में मिर्ची तो एक ऐसी चीज़ है कि हर किसी की पसंद होती है। ये गर्मा गर्म तड़के वाली अचारी मिर्ची फ्राई तैयार हो चुकी है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है, और ठंडियों के मौसम में आप इसे आराम से लेके जा सकते हो क्योंकि ये जल्दी ख़राब होता नहीं है, और फ्रिज में अगर आप रखोगे तो इसे 2 हफ्ते तक आराम से इसकी शेल्फ लाइफ है। आप चाहो तो पराठे के साथ भी खा सकते हो, आप चाहो तो पूड़ी के साथ खा सकते हो। देखिए बहुत ही आसानी से ये टूट गया है, ऐसे ही खा के टेस्ट कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये तड़केदार अचारी मिर्ची की जो फ्राई रेसिपी है पसंद आई होगी, आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।